सो फ्रेंड्स, Q&A वीडियो में आपका स्वागत है। काफी लंबे समय से सोच रहा था आप लोगों के लिए Q&A वीडियो बनाऊं, और आपके बहुत सारे सवाल कमेंट में आए हुए हैं, तो चलिए मैंने कुछ कमेंट सिलेक्ट किए हैं, कोशिश करते हैं सबका जवाब देने की। पहला कमेंट लेते हैं करुणेश सिंह ठाकुर, बोलते हैं भाई दिमाग 100% कैसे यूज करें, इस टॉपिक पर वीडियो बनाए। तो भाई सबसे पहले बता दूं, 100% दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज 100% तक नहीं जा पाती। क्या कोई इंसान 100% गलत हो सकता है, या कोई इंसान 100% सही हो सकता है? नहीं। तो 100% अगर आप ढूंढोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, बात करें दिमाग की, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपना दिमाग 100% यूज नहीं किया था। इसकी एक वजह और होती है, 100% दिमाग की शक्ति को यूज करने का मतलब होता है अपार ऊर्जा, जो हमारा ये भौतिक शरीर संभाल ही नहीं सकता। 100% दिमाग की शक्ति यूज करने से पहले ये शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इस शरीर की एक सीमा है। हाँ, माना आपके दिमाग की कोई सीमा नहीं है, आपके दिमाग की शक्तियाँ अपार हैं, लेकिन आपका ये भौतिक शरीर, इसकी एक सीमा होती है। अगर आप अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा, उस लायक बनाना होगा। और इसके लिए खान पान, सही व्यायाम और मेडिटेशन, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ 100% इस्तेमाल करना नामुमकिन है। और इसका एक एग्जाम्पल हॉलीवुड मूवी लूसी से ले सकते हैं। अगला कॉमेंट है राजेश कुमार, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए जिससे माइंड 100% कॉन्शियसली वर्क करे? तो सवाल थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मेडिटेशन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल क्वेश्चन वर्ल्ड पर जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियोस में आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एटलीस्ट मेडिटेशन शुरू तो करो, रिजल्ट की चिंता तो आप अभी से ही कर रहे हो। अगला कॉमेंट है यश का, एनलाइटनमेंट में क्या होता है, और एनलाइटनमेंट के बाद या एनलाइटनमेंट मिलने के बाद इंसान या उसकी आत्मा का क्या होता है? देखिए, बेसिकली एनलाइटनमेंट के बारे में समझा पाना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान, वैसे ज्ञान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। एनीवे, ज्ञान या बुद्धत्व की प्राप्ति, ये वो अवस्था है जिसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। दुनिया में ऐसा कोई बुद्ध पुरुष नहीं है जिसने ज्ञान पाने के बाद में अपना पूरा हूबहू एक्सपीरियंस बता दिया हो। जितना भी सिद्ध पुरुषों द्वारा बताया गया है, अब चाहे स्वामी विवेकानंद हो, या भगवान बुद्धा हो, या कोई और, जो भी कुछ इन लोगों ने कहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक इशारा है उस ओर जाने का, वो भी समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ये वो फीलिंग है, वो अवस्था है, जो शब्दों में या किसी भी भाषा में पता ही नहीं जा सकती। इसका तो सिर्फ स्वयं ही अनुभव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ऋषि ओझा का, कि सर, मेरी नानी और बाकी सभी भी बोलते हैं कि हाथ में या गले में काला धागा बांधना चाहिए, इससे हमको नजर नहीं लगती, क्या ऐसा सच में होता है? और बाकी पंडित जी भी बोलते हैं जो मंत्र और ताबीज के बारे में बताते हैं, इसका साइंटिफिक क्या लॉजिक है? देखिए और जरा ध्यान से सुनिए, काला धागा, गंडा, ताबीज या तंत्र मंत्र, इन सब का साइंटिफिक लॉजिक भी होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पंडित या तांत्रिक के पास जाते हैं, और ऑफ कोर्स जाएंगे ही जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग जानते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम की वजह से उनके पास गए हैं, तो ऐसे में या तो आपको वो तावीज दे देते हैं या कोई मंत्र दे देते हैं, और कहते हैं ये धागा आप अपने गले में या हाथ में बांध लो, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको जॉब मिल जाएगी। तो भाई यहीं से काम शुरू हो जाता है, आप समझते हैं कि आप वहां से कोई चमत्कार लेकर आए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, चमत्कार तो आपके अंदर ही है, क्योंकि जब आप वो ताबीज लेते हो और जिस श्रद्धा, जिस विश्वास से लेते हो, वो तो आपके ही अंदर है ना, और उसे बड़े श्रद्धा प्रेम से आप ग्रहण कर लेते हो और उसे बांध लेते हो, और फिर अपनी डेली लाइफ में रेगुलर जीने लगते हो। ऐसे में होता यह है कि आपके शरीर में बना वो ताबीज, आपके अंदर का वो विश्वास, आप कहीं भी कोई काम करेंगे या किसी जॉब के लिए जाएंगे, तो आपके मन में एक विश्वास होगा कि किसी बाबा ने आपको ताबीज दिया है, आपकी जॉब लग ही जाएगी। आपके अंदर एक विश्वास होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, और वही विश्वास आपको कामयाब करता है। आप किसी मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, वहां से भी आप वही विश्वास लेकर जाते हो कि इस मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, मुंह मांगी इच्छा पूरी होती है, बस यही विश्वास काम करता है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपके भीतर से ही आवाज आती है कि आप फला फला मंदिर में गए थे, या किसी महान पुरुष ने कोई धागा दिया था, तो ये मेरा काम 100% बनेगा ही बनेगा। बस अंदर से आती हुई ये आवाज, 100% का विश्वास आपका काम बनाता है। तो बस यार, यही सीधा सा लॉजिक है इसका, मुझे तो बस इतना ही लगता है। एक कॉमेंट है देवराज सिंह का,
बिना अटके कैसे बोलें इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई बिना अटके कैसे बोलना है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी पहले इतना अच्छा नहीं बोल पाता था, धीरे धीरे करके मुझे प्रैक्टिस हो गई और आज मैं बिना अटके बोल लेता हूँ। तो वेल आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यस वीमेन ऑल्सो। एक सवाल है, मेडिटेशन के दौरान कुछ एनर्जी अट्रैक्ट होती है, हमारे आसपास एक एनर्जी का सर्कल बनता है, तो उस एनर्जी को कैसे हैंडल किया जाए। देखिए जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन एक तरह का प्रयास है आपकी फिजिकल बॉडी का। धीरे धीरे आप ये प्रयास करते रहेंगे, आपकी बॉडी उस लायक होने लगेगी और आपका मन आपका दिमाग चीजों को समझने लगेगा। अचानक से आई हुई कोई शक्ति आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बस आप अपने मन की शक्ति से चीजों को समझना शुरू कीजिए, अपने आसपास महसूस करना शुरू कीजिए। देखिए ये दुनिया क्यों चल रही है, आसपास क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे जैसे आपकी बुद्धि का विकास होने लगेगा वैसे वैसे आपका शरीर एनर्जी को हैंडल भी करने लगेगा। अगला सवाल है मनोज खन्ना का, क्या ध्यान करने से पागल हो जाते हैं। नहीं, केवल आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करने से कोई पागल नहीं होता, बल्कि आपकी बुद्धि का ही विकास होता है। लेकिन हाँ, ध्यान की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें बिना गुरु के करने से आप विक्षिप्त हो सकते हैं, पागल भी हो सकते हैं। तो प्लीज उन तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें, आप साधारण ध्यान कर सकते हैं जो भी मैंने अपनी मेडिटेशन वाली वीडियोस में बताया है, आप उन वीडियो को देखकर ट्राई कर सकते हैं। एक कमेंट है, भाई इल्यूमिनाटी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई कई दिनों से सोच रहा हूँ इल्यूमिनाटी के ऊपर वीडियो बनाने के बारे में, काफी सारी अफवाहें फैल रही है इल्यूमिनाटी की, जिसमें कि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, इल्यूमिनाटी को एक गलत नजरिए से लिया जा रहा है। वेल कभी फ्यूचर में इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों लूसी ड्रीमिंग के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि लूसी ड्रीमिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, तो वेल इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, एनीवे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है अंजना नाथ, क्वेश्चन वर्ल्ड, इफ योर ब्रेन हैव सो मच पावर्स देन व्हाई वी कांट यूज इट नॉर्मली एंड व्हाई शुड वी हैव टू मेडिटेशन फॉर यूजिंग इट। सिंपली इनका कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा पावर्स हैं, तो हम इसे साधारणता इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते, इसके लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए बात तो सही है, हर इंसान के पास में यूनिक पावर्स होती हैं, लेकिन वो डीएक्टिवेट होती हैं, वो सक्रिय नहीं होती हैं। कुछ हद तक मेडिटेशन से आप उन्हें समझ पाते हो। अगर आपके पास में जन्म से ही सभी पावर्स एक्टिवेट कर दी जाएं, तो आप क्या करोगे, दुनिया को बर्बाद कर दोगे। हमें दूसरे वर्ल्ड वॉर की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तक दुनिया बर्बाद हो चुकी होती। देखिए अगर आपके पास में पावर्स हैं, तो आपके पास में बुद्धि और विवेक भी होना चाहिए। किसी भी पावर का इस्तेमाल करना अपनी ही चेतना को नीचे धकेलने जैसा होता है। पावर्स तो आपको मिली हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए, सत्य को जानने के लिए। लेकिन हम जानते हैं ज्यादातर इंसान इसका सही प्रयोग नहीं करते। एग्जांपल्स आपके पास में भरे पड़े हैं, किसी भी पॉलिटिशियंस के हाथ में ताकत होती है तो ऑब्वियसली वो उसका ज्यादातर दुरुपयोग ही करता है। अगर आपके पास में सुपर पावर्स आ जाएं, तो क्या आप उसका सही उपयोग करेंगे? नहीं, पहले आप उसका दुरुपयोग ही करेंगे। अगर आपकी बुद्धि का विकास हो गया है तो बात अलग है, वरना आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने की ही सोचेंगे, क्यों, सही है ना। एक सवाल है आदित्य का, सर क्या भगवान चमत्कार करते हैं? नहीं, इंसान चमत्कार करता है, भगवान चमत्कार नहीं करते। भगवान के लिए पूरी दुनिया एक जैसी ही है, जैसा एक मामूली सा गरीब इंसान भगवान के लिए है, उसी तरह से दुनिया में रहने वाला अमीर इंसान। चमत्कार आपके अंदर ही है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ भगवान चमत्कार करते हैं, सब कुछ चमत्कार ही तो है। ये सूरज की रोशनी, चांद, सितारे, ये पृथ्वी, इस पर मौजूद जीवन, सब कुछ चमत्कार है। देखो इसे गौर से देखो, चमत्कार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बस आपके देखने का नजरिया होना चाहिए। हर जगह चमत्कार है, फलों के अंदर मौजूद मिठास, क्या ये चमत्कार से कम नहीं है? और सभी फलों का अलग अलग स्वाद, ये मिठास ये स्वाद कहाँ से आता है? जमीन से, इस पृथ्वी से, जड़ें इन सबको फलों तक पहुंचाती हैं, क्या चमत्कार नहीं है? हाँ चमत्कार है। तो मानो तो सब कुछ चमत्कार है, और ना मानो तो कुछ भी चमत्कार नहीं है, ये आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। और हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था स्वामी विवेकानंद के बारे में, उसमें आप लोगों ने बहुत 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 सारा प्यार दिखाया, बहुत सारे लाइक्स मिले और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स, जो मोटिवेट करते हैं मुझे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में। उसमें मैंने एक सवाल किया था आप लोगों से कि आपको कितने कॉन्टेक्ट नंबर याद हैं। आप लोगों के बहुत सारे जवाब मुझे मिले, मैंने सभी कमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ा। आप में से काफी लोगों ने मजाक भी किया, जैसे कोई कहता है कि मुझे 1000 कॉन्टेक्ट नंबर याद हैं, कोई कहता 600, तो यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वेल एनीवे अगर इतने याद हैं तो वेरी गुड। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास में अक्सर आता है,
कि भाई आप कुरान के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते, मुस्लिम्स के बारे में क्यों नहीं बोलते। देखो मेरे भाई, मैं दुनिया के सभी धर्मों के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन एक मुस्लिम धर्म के बारे में बोलने को बिल्कुल मत कहो। यार इस्लाम के बारे में मैं कितना भी पॉजिटिव बोल दूं, तो यार इस्लाम से जुड़े लोग ही बहुत गालियां लिखते हैं कमेंट में, इतने गंदे कमेंट लिखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है मक्का मदीना पर, आप जाकर देख सकते हो मैंने उसमें क्या गलत बोला है, और हालत ऐसी हो गई उस वीडियो के कमेंट को मुझे डिसेबल करना पड़ा। सब समझ समझ का खेल है। और मैं ये भी नहीं कहता कि सभी मुस्लिम गलत कमेंट लिखते हैं, काफी सारे प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं मेरे पास में, और काफी मुस्लिम ऐसे भी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरी सभी वीडियोस देखते हैं और उन्हें सराहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता, मैं इस्लाम के बारे में नहीं बोल पाता, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अच्छाई में कमी कैसे ढूंढनी है और उस एक कमी को पकड़कर दुनिया भर की गाली गलौज कमेंट में लिखना शुरू कर देते हैं। तो आई होप यार आप समझ सकते हो, सॉरी यार मैं मुस्लिम के बारे में वीडियो नहीं बना सकता, और ऐसा नहीं है मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे इस्लाम के बारे में भी है, कुरान शरीफ के बारे में भी है, बस मैं कह नहीं सकता। तो बस यार आज का टॉपिक बहुत लंबा होता जा रहा है, आगे फिर कमेंट के ऊपर वीडियो आती रहेंगी, एंड सॉरी यार पुअर एडिटिंग के लिए, Q&A वीडियो था तो मैंने सोचा आप पुअर एडिटिंग को भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो वेल मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।